दोस्तों आज पिंड बदरे दे विच छोटे बच्चों के पेंटिंग मुकाबले करवाए जा रहे हैं। पानी की बचत को लेके जिहड़ा पंजाब दे विच एक बड़ी समस्या इस समय उभर रही है भी पानी आने वाले समय जिहड़ा खत्म हो सकता गा, इनू बचाउण दे लई बच्चों जिहड़ा बच्चों के जिहड़े पेंटिंग मुकाबले करवाए गए ने युवक सेवावां क्लब बदरा की जिहड़ी यह बहुत बड़ी पहलकदमी आ। अज छोटे छोटे बच्चे जिहड़े बरनाले जिले के पिंड बदरे के गुरद्वारा साहब के आए हैं तो जिन्हां दे ये पेंटिंग मुकाबले होने ने जिदे विचों फस्ट सैकंड थर्ड आने वाले बच्चों जिहड़े वो प्राइज भी दिते जाणगे। हाँ जी वीर जी, पहला अपना नाम दस दो। की नाम? सतिकाल जी, मेरा नाम जीवन सिंह है जी। तो जिहड़े अज बच्चों के पेंटिंग मुकाबले करवाए जा रहे हैं यदा मकसद दस दो, किहड़े जिहड़ा पेंटिंग करवाउणी आ? हाँ जी, ये अपना नहरू युवा केंद्र बरनाला वालों स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री का अदारा जी, उन्होंने वालों ने यह प्रोग्राम लिखे गया सीगा जिहड़ा बरसाती पानी हुंदा जी अपना एक कैच दे रेन दे अधीन जिहड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बरसाती पानी असीं किवें बचा सकते हैं, उहदी वरतों किवें कर सकते हैं, उहदे बेस ते इह बच्चों के विच जो उत्साह लैके आया जा रहा है क्लबां दे प्रति होर भी वख-वख संस्थावां दे नाल जुड़ के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। असीं जी फिलहाल तो जी बच्चों की एज 15 से 29 रखी हुई है, भाग लै सकते हैं, पर फिर भी कुछ बच्चे जिहड़े भाग लेना चाहते थे असीं उन्होंने भी इस विच मौका दिता जी भाग लैण वास्ते। मान लो एक जिले मुताबिक? हाँ जी, जिले मुताबिक चल रहा है। किन्ने टाइम दा जिहड़ा इह प्रैक्टिकल प्रोग्राम? इह 40 से 45 मिनट दा टाइम होगा। 40 से 45? हाँ जी। जिहड़े जिहड़े पोजीशनां आउण पोजीशनां ते आउणगे बच्चे उन्हां नूं प्राइज भी दित्ते? हाँ जी हाँ जी, उन्हां नूं सर्टिफिकेट दित्ता जाऊगा जी, उन्हां नूं जिहड़ा सैकंड थर्ड फर्स्ट उह प्राइज दित्ते जाणगे। ठीक है, मान लो पूरे जिले दे विच करवाए जा रहे ने? हाँ जी, अडोड़ी जिले दे विच अडोड़ी संस्थावां नाल क्लबां दे नाल जुड़ मिल के कराए जा रहे ने। बच्चे ने जिहड़े जवानी है बच्चे ने अगे उत्साह कर सकते, क्योंकि पुरानी पीढ़ी है समझा नहीं सकते। जो बच्चे पेंटिंग बनाएंगे घर लैके जाएंगे तो उन्होंने उस सिलसिले उत्ते गलबात शुरू होगी भी क्यों बनाई गई है, मतलब की है, तो बच्चे दसणगे जो सा पानी हैगा वह दिन दिन पद्धर नीवा होता जा रहा, तो उसके जागृति एक जी आने वाली पीढ़ी के नवी पीढ़ी के जोड़े साढ़े बजुर्ग ने उन्होंने जागरूकता जाऊगी तो हो सकता उन्होंने समय के इस हंबला मार सकते। दोस्तों एक बहुत बड़ा जो उपराला गा भी पानी बचाने के लिए जो पेंटिंग मुकाबला करवाया गया जिसे राही एक लोगों जो एक स्नेहा देने की जी कोशिश की गई है, भाई एक लोगों की मैसेज देना चाहते हो? मतलब लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं जी भी जी पानी आ बरसाती पानी आते सरकार वालों भी वक् वक् स्कीम मुहिम चलाई जाने ने लाभ लेके ला लो जी अपनी जागृति के नाल ला लो, बरसाती पानी भी ला लो पीने वाले पानी भी ला लो, क्योंकि पानी जो दोनों ही साढ़े साढ़े आने वाले टाइम के हानिकारक सूँ सिद्ध होगा, वह पद्धर जो बहुत नीचे जा सक गया गा, तो इसलिए साडा जो बरनाला गा जिला वो भी होर भी जोन के आ गया गा नीचे भी साडा पानी जो पद्धर बहुत नीचे वग गया, इसलिए सानू सारयां नूं रल मिल के पूरे भारत वासियों हंबला मारना चाहिए कि पानी की सानू कदर करनी चाहिए है, पानी सानू बचाना चाहिए, नहीं आने वाली जी साडी पीढ़ियां ने उन्हां दा नाश होना तय है जी। मान लो युवक सेवावां क्लब की प्रधान मनप्रीत कौर तो उन्होंने भी आप गल करते हैं, मैंने जो अज का यह टॉपिक तुम्हें रखा गा तो पानी बचाओ में लैके पेंडिंग मुकाबले करवाए गए हैं, कि पिंड के बच्चे इतने आए हैं? गे ये कुनस तो जी बधातियां तो बाकी सारे बदरे पिंड के बच्चे ने गे। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी ये जो है कॉम्पीटिशन रखने का एक मोटिव है भी एक तो जो बारिश का पानी है उन्होंने किवें रीस्टोर करके आप फिर तो यूज कर सकते हैं, एक तो ये पानी की बचत होगी जो फालतू पानी वेस्ट हों गा वो बचत होंगी, बाकी जो बच्चा का हुनर आ वह निखर के बहर आता है, मतलब कई बच्चे होंगे ने उन्होंने कित भी मौका नहीं मिलता है अपनी जी कलाकारी दिखाने का, तो असं यह छोटा जा उपराला किया गा भी ये थ्रू बच्चों की अगे हौसला अफजाई होगी, हम जी अज इतों बच्चे पहले तीन बच्चे फस्ट सैकेंड थर्ड होकर जाएंगे तो हो सकता वो उच्चे लैवल से जाके अपनी पेंटिंग के हाथ होर भी साफ कर, बस यही मोटिव से। बचत करो ओनू रीस्टोर करना सीखो और अपने बच्चों का हुनर है जो पेंटिंग जा किसी भी फील्ड के बच्चों के कोई भी कलाकारी हैगी उन्होंने अगे आने की
मतलब हौसला अफजाई दो बच्चों।